तो ठीक है। अरे इतना दिन से बिहार को संभाले हुए हैं, अब तो उनको चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। मोदी जी से बढ़िया होंगे नीतीश जी। अच्छा हाँ जी, कोरोना ही काल में जितने अच्छे से उन्होंने इस देश को संभाला और जितना जल्दी मतलब सारा फैसिलिटी देके और इसको क्योर किया, और कोई लीडर रहता तो इतना जल्दी इस पर कंट्रोल नहीं करता, या किसी भी सेक्टर में है, मतलब मोदी जी का कोई जोर नहीं है। विकास पुरुष कहा जाता है, सही में है एकदम विकास पुरुष तो है ही है, उनको भारत का विकास पुरुष बनाना है, बिहार का नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपना केस खुद ही खत्म करवा लिया। अपना केस अपने कोई खत्म करता है कि कोर्ट करता है उसका? अपने कौन करेगा, वो जज हैं कर देंगे। मोदी जी से ज़्यादा अच्छा साबित होंगे? बहुत अच्छा मोदी जी से ज़्यादा साबित होंगे। मोदी जी हैं क्या बताइए ना, वो उतना दिन में क्या किए ऐसा निम्न वर्ग के लिए बताइए जो विशेष जाति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरओडी न्यूज़, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई है, राजनीतिक दलों से लेकर तमाम नेता जो हैं चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और मैदान में उतरकर पैतरे मारने लगे हैं। जनता भी उनके पैतरे पर टकटकी लगाए हुई है, लेकिन 2024 में क्या होगा ये है जनता के हाथों में, और जनता क्या सोच रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, यही जानने के लिए हम सफ़र कर रहे हैं पटना टू रांची जन शताब्दी में। तो आइए जनता से जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? हम तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी क्यों? मुझे वो हर तरह से सुटेबल लगते हैं पीएम के पोस्ट के लिए, उनमें जो क्वालिटी होनी चाहिए पीएम के लिए, आई थिंक नीतीश से बेटर है उनमें हर मामले में। वो जितना हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं और कोई लीडर उनके उतना तो आगे नहीं ले जा सकता हमारे देश को हर मामले में। नीतीश जी कहते हैं कि 10 साल में सिर्फ उन्होंने जुमलाबाजी की है और देश के इतिहास को मिटाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जितना फॉरेन कंट्री में टूर करके आया, अभी तक किसी पीएम ने फॉरेन में हमारे देश की बात को नहीं रखा है, या फिर कोरोना ही काल में जितने अच्छे से उन्होंने इस देश को संभाला और जितना जल्दी मतलब सारा फैसिलिटी देके और इसको क्योर किया, और कोई लीडर रहता तो इतना जल्दी इस पर कंट्रोल नहीं करता, या किसी भी सेक्टर में है, मतलब मोदी जी का कोई जोर नहीं है। हमको नहीं लगता कि उस बाकी सारे लीडर में वो बात होगी, या वो जहाँ भी जाते हैं तो ऐसे ही उनका मतलब हर जगह इतने मतलब वैल्यू नहीं है जितना कि मतलब सारे लोग हर कंट्री के लोग तो सारे लोग तो बेवकूफ़ नहीं होंगे ना, अदर कंट्रीज़ में भी तो उनकी उतनी ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड है और बहुत ज़्यादा विजिट किए हैं, उतना तो किसी पीएम ने अभी तक नहीं किया है। किराए के लोग रखे रहते हैं जो मोदी मोदी करते हैं, आरएसएस के लोग होते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, तो वो तो जब नीतीश कुमार जाएंगे। 10 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया जो आम लोगों की ज़िंदगी को बदलाओ? आम लोगों की ज़िंदगी को बदलाओ, आम लोग कंफर्टेबल लाइफ में हैं, और बाकी लोग लीडर ने ऐसा क्या किया जो आम लोगों की को लगे कि हम मेरे लिए बहुत अच्छा था जो उनके पहले आए थे कांग्रेस या और कोई? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, और ये इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे और पूरे 5 साल में करीब 6 या 7 लाख नौकरियां कहते हैं कि मिला, 2 करोड़ सालाना और कहां 6 और 7 लाख, और कहते कि 18 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। वो और सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा मतलब मोदी जी कर ही रहे हैं, अब नौकरी एक दिन की तो बात नहीं, अब नीतीश कुमार भी अपने वादे पे रहे तब तो, वो भी तो अभी तो बोल ही रहे हैं, दिए कहाँ हैं? दे रहे हैं ना, अभी तक तो हुआ नहीं है ना, बोलने और करने में बहुत सारी बहालियाँ हुई है, बहाली हुई है बट वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, और वो हर लीडर का अपना एक टॉपिक होता है पर्टिकुलर नौकरी, तो इनका नौकरी है मोदी सरकार का कि कोई और पर्टिकुलर टॉपिक था? बताएं कि बिहार के बारे में कहा जाता है कि देश में सबसे अच्छी बिजली जो है वो बिहार के लोगों को मिलती है, 24 घंटे में से 22 घंटे, ठीक है, देश में सबसे ज़्यादा। ऐसा हर सेक्टर में तो नहीं है, अभी हर सेक्टर में ऐसा नहीं है, और हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ लूप फॉल होता है, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी हर चीज़ में हर सेक्टर में 100% हो, बट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वो 100%
अचीव नहीं कर पाया, बट 80-90 में तो है ही, और थोड़ा बहुत लूप फॉल तो हर। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा उन्होंने क्या किया जो अचीव किया हो, कोई एक सेक्टर के बारे में आप बताइए ना। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोरोना काल में भी उन्होंने जो किया वो बहुत ही काबिले तारीफ था। और कोई कोरोना काल में कितने लोग मरे हैं पता है आपको? तो वो एक महामारी थी ना, वो एक मतलब क्या बोल सकते, तो उस पर तो किसी, वो तो नेचुरल फेनोमेनन था ना। वो मोदी जी में कोई पीएम कहता हो कि थाली बजाओ और दिया जलाओ, ये कोई पीएम कह सकता है क्या थाली बजाओ? ये क्या आपको अच्छा लगता है? कोई ये कहता है कि थाली से कोई स्वस्थ हो सकता है? कोई कहता है ना कि डॉक्टर से ज्यादा दुआ, दवा से ज्यादा दुआ काम आती है, तो भगवान किसी को बचाने तो नहीं आते हैं। ये तो मुझे लगता है आपकी अंधभक्ति बोल रही है मैम। अंधभक्ति तो नहीं बोल रही है, लेकिन अगर नीतीश कुमार रहते तो वो भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा करते, तो लोग पीएम को फॉलो करते हो या कोई हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ताली और थाली, कोरोना की आपने बात की इसलिए मैं बोला कि ताली और थाली आपको सही लगता है? ताली और थाली बहुत ज़्यादा तो सही नहीं है, बट उन्होंने अपना एक प्रयास किया कि शायद इससे भी कुछ हो, बट लेकिन उन्होंने जो काम किया कोरोना में वो बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया, और अब तो नहीं है, अब लोग आराम से मतलब हैं, और वो एक महामारी था और इसलिए लोग। कोरोना का वो सीन याद है कि गंगा में हजारों हजार की संख्या में लाशें पड़ी थी? नीतीश कुमार रहते तो क्या करते, लाश नहीं पड़ती, मरने वाले तो मरेंगे ही, मरने वाले पे किसी का बस है क्या? अगर अभी कुछ ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ये गवर्नमेंट का थोड़ी है ना, कुछ कुछ नेचुरल फेनोमेनन होता है ना जिसमें गवर्नमेंट एट ए टाइम नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ उसके क्योर के लिए आगे वो प्रयास तो किए, ऐसा नहीं था कि नहीं चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं था ना। ये बताइए कि मोदी या योगी? हम मोदी योगी कोई के नहीं कह सकते हैं। मोदी योगी कोई नीतीश जी या मोदी जी? ना नीतीश जी के भी काय का है, किसी को नहीं हम कहाँ शिकायत कर सकते, जो जो राज है उसका अपना चला रहा है। अच्छे कौन है? अच्छे तो ऐसे मोदी जी या योगी जी हैं। मोदी जी हाँ जी। क्या अच्छा है मोदी जी में? सारा घर घर में अथी कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जल पहुँचा रहे हैं, सबको विधि व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, घर घर में राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पैसा मिलता है राशन? हमको तो कार्ड नहीं है तो मिलेगा कैसे? कैसे आप जानते हैं कि घर घर में राशन मिल रहा? हम गांव में रहने वाले आदमी कैसे नहीं जानेंगे? कैसे नहीं जानेंगे गांव में अथी है तो आप चाहते हैं कि मतलब ये अच्छा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है। हाँ हो रहा है, घर घर में राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ विधि व्यवस्था ठीक है, ठीक है, सेंट्रल से विधि व्यवस्था ठीक है, अब यहाँ बिहार के गड़बड़ा जाए तो उससे क्या है? सेंटर में विधि व्यवस्था ठीक है और सब ठीक है चल रहा है, जो चल रहा है से देख ही रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। और अच्छा काम क्या किया 10 सालों में? 10 साल में बहुत काम किए। बहुत क्या अच्छा काम बताइए, बहुत मत का कोई मतलब नहीं, गिनाइए। हम गिनाएंगे क्या? हम उसका रिकॉर्ड रखे हुए हैं, हम रिकॉर्ड थोड़ी रखे हुए हैं। अच्छा कैसे बोल रहे हैं फिर? अच्छा देख रहे हैं, शांति व्यवस्था है, सगरों अपना काम धंधा ठीक हो रहा है। शांति व्यवस्था तो बिहार सरकार की वजह से? बिहार सरकार की वजह से नहीं है, कहाँ बिहार सरकार में तो रोज मर्डर हो रहा है। अरे भाई आप हैं कहाँ, किस कहाँ? ये बिहार है ना? बिहार है तो बिहार में नहीं हो रहा है? रोज आप तो न्यूज बनाते हैं कि नहीं, क्राइम हो रहा है कि नहीं, मर्डर हो रहा है कि नहीं, लूटपाट हो रहा है कि नहीं? दिल्ली में नहीं हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है? दिल्ली सेंट्रल में थोड़ी, दिल्ली तो सब स्टेट अलग अलग है ना। हो रहा है कि नहीं वहाँ? हो रहा है, कम हो रहा है ना। अच्छा यूपी में? यूपी में कम हो रहा है, तुरंत उसका पता चलता, तब यूपी में होता है तुरंत उसका रिजल्ट निकलता है, बुलडोजर चल जाता है ना। बुलडोजर चल जाए चाहे नहीं चले, लेकिन रिजल्ट उसका तुरंत मिलता है। तो लेकिन रिजल्ट यही हुआ ना कि बुलडोजर चल जाता है? बुलडोजर का, बुलडोजर एक साथी है, समाधान है तो क्या? वो तो जैसा जो कर्म करेगा वैसी समाधान होता है, जैसा कर्म। हाँ मतलब बुलडोजर चल जाता है, अच्छा काम होता है? अच्छा काम बढ़िया आदमी पर थोड़ी चलता है, वो जो जैसा कर्म करता है उसी पर चलता है। ये अतीक अहमद को मतलब दिन दहाड़े मार दी गई गोली, ये तो अच्छा ही हुआ गुण अतीक अहमद को? अतीक अहमद को बढ़िया आदमी था, मतलब मार दी गई अच्छी बात। कितना क्राइम केस था, वो बढ़िया मारता था, बढ़िया लगता था। योगी जी पर 100 से ज़्यादा FIR दर्ज था पता है आपको, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे? FIR कैसे, कहाँ अब दिखा रहे, कहाँ दिखा रहे हैं FIR, कहाँ टीवी पर दिखा रहे हैं, अब दिखाते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपना केस खुद ही खत्म करवा लिया। अपना केस अपने कोई ख़त्म करता है कि कोर्ट करता है उसका? अपने कौन करेगा, वो जज हैं कर देंगे, खत्म करवा लिया सरकार के, सरकार सरकार वो संस्था जो है, जो कानून का माध्यम से संस्था है उसको ने, उन्हें खत्म किया। हाँ सिफारिश ही नहीं की थी, ऐसा सिफारिश ऐसा है तो लालू जी यहाँ कहे नहीं खत्म करा ले रहे हैं।
लालू जी सत्ता में नहीं थे ना? सत्ता में 15 साल 14 साल है, क्यों नहीं करा लिए? सत्ते में तो जेल में गए, कहीं नहीं करा लिए। यही तो अंतर होता है ना, यही अंतर होता है नेताओं में। इसी को अंतर अंतर कैसे बोल सकते हैं? वहाँ के जनता से पूछिए ना, यूपी के जनता से कि क्या कहता है योगी जी के बारे में। आप ये बताइए कि हम गलत बात कर रहे हैं ना? गलत हम ही कैसे बता सकते हैं, आपको गलत कैसे कह सकते हैं? सब स्वतंत्र देश है, सबको बोलना अधिकार है। नहीं, अधिकार जो मन में होगा बोल देगा। तो जो मन में हो रहा है वो बोल नहीं रहा है आदमी। आप ये बताइए कि मोदी जी पे योगी जी पे केस था कि नहीं? मोदी जी पर केस था, योगी जी पर केस था, तो कोर्ट ने उनको ना अथी किया, बरी किया कि वो अपने बरी हो गए। इन्होंने सिफारिश की कि केस हटा, सिफारिश की। दोनों तरफ का वकील रहता है, जिसका वकील सिफारिश किया जजमेंट ठीक हुआ तो अपना जजमेंट दिया जज। आप भी वकील ही हैं लगता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, हम तो एक ग्रामीण वार्ड हैं, समझ गए? तो मतलब मोदी जी अच्छा काम किया है, आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए ना। ये बताइए कि अभी 2024 में चुनाव होने हैं, तो मोदी जी ने कैसे काम किए हैं, कि मतलब उनके काम का आकलन कैसे करते हैं आप? काम उनका तो कुछ भी ठीक नहीं रहा है। सब जगह शौचालय बनाए सबसे ज़्यादा, नोटबंदी की है, और बिहार के लिए तो कुछ खास करके किए ही नहीं है। बिहार के बारे में तो उनको जनता नहीं कुछ बोल सकता है। आपको शौचालय घर में बना है? शौचालय तो नहीं, उनके फंड से नहीं बना है। जो फंड से शौचालय बना उसको आप देखे हैं? हाँ हाँ देखे ना, तो शौचालय डायरेक्टर हैं भाई, पूरा भारत भर के। कैसा शौचालय बना है पता है वो आपको डायरेक्टर साहब? किसी तरह से काम चलाने भर, काम चला। हाँ कैसे पेंट डाल दिए, मट्टी निकाल दिए, बना वो शौचालय। कितना दिन में खत्म हो जाएगा? इनका शासन भर जब तक रहेगा, जब तक चलेगा, दो चार साल पाँच साल चलेगा। पैसे की बर्बादी है ना वो? कैसे मतलब की भ्रमण करना, पैसे की बर्बादी है ना वो? बहुत ज्यादा बर्बादी है, एकदम लूट का एक जरिया है बस। हाँ हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये बताइए कि और उन्होंने ऐसा क्या किया कि मतलब और जो ये 10% गरीब सोन को जो आरक्षण दिए हैं वो बहुत गलत है। 10% जो गरीब सोन को जो आरक्षण दिए हैं वो बहुत गलत किए। ये बताइए तो अभी 2024 में आप चाहेंगे कि फिर वो दोबारा आएँ या किसी और को? ना मौका दोबारा दूसरा को मिलना चाहिए ना, दूसरा को हाँ, परिवर्तन होना चाहिए तब एक बार आदमी जो बन जाता है। अब तो सब जगह पे करना चाहिए। आप एक बार इस जगह पे बैठ चुके हैं, अब हटिए दूसरे आदमी को बैठने दीजिए, वो भी काम करेंगे। हाँ प्रधानमंत्री का कुर्सी हो या CM का हो या DM, मतलब मंत्री पद के बात कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि जो देश में प्रधानमंत्री पद के कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसे मोदी को जो टक्कर दे। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा है ही नहीं। कैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो पप्पू हैं, नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के गोद में बैठ गए हैं। ना ना नीतीश जी तो ठीक है, अरे इतना दिन से बिहार को संभाले हुए हैं, अब तो उनको चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। मोदी जी से बढ़िया होंगे नीतीश जी? अच्छा हाँ जी, क्या खासियत क्या है नीतीश जी का? खासियत है कि निम्न वर्ग जो है, सबसे नीचे स्तर का ग्रामीण क्षेत्र में जो आदमी है, किसी भी तरह से जिंदगी को मतलब बिता रहे हैं, उनको उसने उठाने का काम किया है। आज जितना भी देखिए, झुंगी झोपड़ी है, महादलित है, और रहने सहने का BPL है, राशन है, इंदिरा आवास है, चाहे जो भी है, प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से, पंचायत स्तर से, उनको उन्होंने मतलब बहुत उठाने का काम किया है। अब जब से बने हैं उनका स्थिति पहले देखिए और अब देखिए, उनमें भी बदलाव का लहर है। शिक्षित हो गए हैं, पढ़े हैं, और वो भी अपना अधिकार जानते हैं। विकास पुरुष कहा जाता है, सही में है एकदम विकास पुरुष तो है ही है, उनको भारत का विकास पुरुष बनाना है, बिहार का नहीं। ये बताइए कि मोदी जी से ज़्यादा अच्छा साबित होंगे? बहुत अच्छा मोदी जी से ज़्यादा साबित होंगे। मोदी जी हैं क्या बताइए ना, वो उतना दिन में क्या किए ऐसा निम्न वर्ग के लिए बताइए, जो विशेष जाति है सबको उन्होंने नहीं किया,
10% गरीब श्रमण का आरक्षण क्यों दिए वो? अभी भी इसके लिए होना चाहिए संशोधन और बदलाव।